नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ की हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीट पर क्रमिक अनशन की अपील पर आज गुरुवार को कांगड़ा चंबा के कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय धर्मशाला में क्रमिक अनशन शुरू कर दिया। वहीं उन्होंने लोकसभा के बाद अब विधानसभा व पंचायत स्तर पर भी आंदोलन करने की चेतावनी दे डाली। संघ ने प्रदेश में 1,35,000 कर्मियों के लिए ओल्ड पेंशन बहाली की जोर शोर से मांग सरकार के समक्ष रखी है। नमस्कार जी, मैं सुनील जिराल, जिला अध्यक्ष न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ जिला चंबा। हमारी जो ये मांग ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए हम लोग आंदोलन पर बैठे हैं, इसके संदर्भ में सरकार से जितनी भी वार्ताएं हुई हैं, सरकार ने जब जब वार्ता के लिए संगठन को बुलाया है, संगठन गया है और अपना पक्ष रखा है, और अपना पक्ष मजबूती से रखने के बाद, तथ्यों के साथ रखने के बाद, ये सरकार को बताने के बाद कि ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली करने के लिए सरकार पर कोई भी अतिरिक्त बजट जो है वो उसके लिए मुहैया कराना नहीं पड़ेगा, बावजूद इसके सरकार जो है फैसला ले पाने में असमर्थ रही है, जिस कारण जो है वो हमें ये अनशन जो है क्रमिक अनशन करना पड़ा है। क्योंकि हमने अन्य राज्यों का भी उदाहरण सरकार के समक्ष रखा है और हिमाचल प्रदेश का जो डेटा है हर कर्मचारी का ओल्ड पेंशन बहाली को लेकर भी और एनपीएस में नुकसान को लेकर भी कि प्रदेश सरकार को कितना नुकसान प्रतिवर्ष हो रहा है, वो भी हमने आंकड़े सरकार को दिए हैं, लेकिन बावजूद इसके सरकार जो है वो कोई ठोस निर्णय ले पाने में सक्षम नहीं हुई है। हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय हैं वो बार बार यही कह रहे हैं कि हम रास्ता ढूँढ रहे हैं, लेकिन अभी तक वो रास्ता नहीं निकला है। हमें किसी भी विकल्प की, अन्य की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ एज इट इज ओल्ड पेंशन चाहते हैं और जब तक वो नहीं होती तब तक संघर्ष हमारा जारी रहेगा। देखिए, जो लेटेस्ट हमारी आरटीआई गवर्नमेंट से हमने ली है उसके अनुसार 1,35,000 कर्मचारी जो है वो एनपीएससीए के न्यू पेंशन स्कीम एसोसिएशन के अंतर्गत आते हैं, और निश्चित तौर पर इतना बड़ा वर्ग है और ओल्ड पेंशन के लिए प्रयासरत हैं, तो निश्चित तौर पर जो कर्मचारी हैं वो डटे हुए हैं, और आज भी चार जगह पर जो चार हमारे लोकसभा क्षेत्र हैं वहाँ पर ये हड़ताल शुरू हुई है, और निश्चित तौर पर हम लोग जो है वो इस हड़ताल को कंटिन्यू करेंगे जब तक ये ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली नहीं हो जाती। मनहास, जिला प्रधान कांगड़ा न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ। आज हम यहाँ कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र के जो दोनों जगहों के कर्मचारी जो हैं यहाँ पे क्रमिक अनशन के लिए आए हैं, और ये क्रमिक अनशन कांगड़ा चंबा ज़िलों के टोटल 35 जो ब्लॉक हैं वो इसमें भाग लेंगे, और हर दिन जो है डिसाइड किया गया है कि यहाँ पे क्रमिक अनशन होगा। अब बात आती है कि क्रमिक अनशन किसके लिए हो रहा है, तो हमारी एक ही मांग है, पिछले 7 साल से उसी के लिए हम सरकार से प्रयासरत हैं कि पुरानी पेंशन की जो बहाली है हर सरकारी कर्मचारी के लिए होनी चाहिए, और उसके लिए आज हमारी गेट मीटिंग भी हुई है हर कार्यालय में, और आज चारों लोकसभा क्षेत्रों में जो है ये क्रमिक अनशन शुरू किया गया है। आपकी मांगे नहीं मानते? देखिए, अगर सरकार अब भी अपनी निंद्रा से नहीं जागती है तो हमारे राज्य कार्यकारिणी के स्पष्ट निर्देश हमें जो मिले हैं पिछली राज्य कार्यकारिणी की बैठक में कि इस अनशन को जो है हम जो है ब्लॉक स्तर पे ले जाएंगे, हर विधानसभा क्षेत्र में जो है ये क्रमिक अनशन होगा, और इसके बाद भी अगर ये नहीं जागते हैं तो हम पंचायत स्तर पे भी जो है इसको करने का मादा रखते हैं। नहीं, फिलहाल देखिए, अभी जो हम मानते हैं कि जिस समय जिस तरह से हमारा प्रदेश जो कोरोना की परिस्थितियों से उभरा है उसमें हड़ताल कोई हल नहीं है, इसलिए हमने ये क्रमिक अनशन को चुना है। इसमें काम काज सरकारी कोई भी प्रभावित नहीं होगा, एक ब्लॉक से कंसर्न एक ब्लॉक के कर्मचारी यहाँ रोज़ आएंगे, जैसे कल हमारे बनीखेत के कर्मचारी पहुँच रहे हैं, इस तरह से एक रोस्टर बनाया हुआ है और मिनिमम 3 से लेके और मैक्सिमम 5 तक जो है कर्मचारी यहाँ जो है 24 घंटे की भूख हड़ताल पे बैठेंगे और अगले दिन अगले खंड के कर्मचारी उन्हें रिप्लेस करेंगे। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से निपजित नीपी की रिपोर्ट।